हेलो भाई लोग, कैसे हो? फाइनली गाइस, देख सकते हो मैं अपना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मेगा रैम फ्रंट ट्रैक जुरासिक पार्क का अलावा भी न्यू हाउस मल्टीप्लेयर मोड पुलिस स्टेशन सुपरमैन मोड ले चुका हूँ। गाइस अब भी अगर आपकी गेम पे ये सब न्यू मोड ऐड करना चाहते हो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो ये सब मोड आपकी गेम पे ऐड कर पाओगे। फाइनली गाइस आज की वीडियो पे ये जो न्यू मोड है ये सब मैं गेम प्ले करके भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये सब मोड ऐड करना बहुत ही ज्यादा आसानी है, बस एक सीक्रेट कोड चाहिए। जैसे आप सीक्रेट कोड के बारे में जान जाते तो ये सब मोड आप भी आपकी गेम पे ऐड कर पाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं उस सीक्रेट कोड के बारे में बताने वाला हूं। जैसे ही आपको सीक्रेट कोड के बारे में पता चल जाएगा तो ये सब न्यू ऑप्शन आप गेम पे ऐड कर पाओगे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस इस वीडियो पे मैं ये न्यू मोड को गेम प्ले करके भी दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पे मेगा रैम मोड, फन ट्रैक मोड, जुरासिक पार्क मोड, ये सब तो आप गेम प्ले देखो फिर भी थोड़ा सा दिखा देंगे, और उसके अलावा मल्टीप्लेयर मोड, न्यू हाउस मोड, पुलिस स्टेशन मोड और सुपरमैन मोड, ये सब मैं आज की वीडियो में गेम प्ले करके दिखाने वाला हूं। इसलिए गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हो तो आप ये सब मोड आपकी गेम पे ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सब न्यू मोड गेम पे ऐड करने के लिए एक सीक्रेट कोड चाहिए, और सीक्रेट कोड मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूं। इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और गाइस गेम प्ले करके तो दिखाने वाला हूं न्यू हाउस मल्टीप्लेयर मोड को, तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस ये सब न्यू मोड का गेम प्ले दिखाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई लोग आजकल मेरा चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है, यहां पे देख सकते हो व्यू बिल्कुल नहीं आता है। तो आप लोगों से भाई बिग रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगर आप आज मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद मेरा चैनल डेट हो जाए। इसलिए भाई लोग आप लोगों से बिग रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो और ये ग्रो आप लोग की करवा सकते हो। इसलिए आप लोगों से बिग रिक्वेस्ट है भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ये सब न्यू ऑप्शन मोड के बारे में। गाइस ये सब न्यू ऑप्शन मोड के बारे में बताने से पहले हमेशा की तरह आज की वीडियो पे भी हम लोग मिथ ब्लास्टर को कंफर्म या ब्लास्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग फर्स्ट मिथ को ट्राई करते हैं। फर्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है स्टेप ऑन, जॉयस्टिक को ऑन करो, स्टेप 2 बाइक लो और बाइक को चलाओ, और स्टेप 3 में जॉयस्टिक को पीछे करो, बाइक में भिली लगेगी, प्लीज ट्राई। ओके भाई लोग आप लोगों को सिंपल तरीके से बताया तो इस भाई ने क्या बताया, इस भाई ने बताया आप गेम के अंदर जॉयस्टिक को ऑन करो, फिर बाइक लो और बाइक को चलाओ, फिर जॉयस्टिक को पीछे करो। जैसे आप जॉयस्टिक को पीछे करते हो तो आपकी बाइक में भिली लगेगी। फाइनली भिली क्या है ये भी मुझे नहीं पता, तो चलिए गेम पे ट्राई करके देखते हैं फाइनली भिली होता क्या है। तो गाइस यहां पे हम लोग आ चुके गेम पे सेटिंग के अंदर और यहाँ पे टास्क और यहाँ पे देख सकते हो जॉयस्टिक लग चुका है और इसको हम लोग अभी प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, जॉयस्टिक मतलब जॉयस्टिक ऑप्शन में हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग घर के अंदर है तो घर से सीधा हम लोग निकालते हैं क्योंकि घर के अंदर तो बाइक नहीं लेके आ सकते ना, तो यहाँ पे हम लोग बाइक स्पम करा लेते 6000 में लेके आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो। और भाई यहाँ पे जॉयस्टिक पे भाई कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे, देख सकते हो यहाँ पे जॉयस्टिक मैंने ओपन कर लिया ऑप्शन, लेकिन कोई भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो चलिए अभी हम लोग एक बार सेटिंग देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जॉयस्टिक लगा हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा गेम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जाके बाइक ले चुके और बाइक को हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कोई भी भीली मुझे समझ नहीं आ रही। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे स्टीयरिंग पे एक बार चेक करते हैं, मतलब सेटिंग पे जाके यहाँ पे जो जॉयस्टिक है इसको हम लोग स्टीयरिंग करते और यहाँ पे हम लोग चेक करते स्टीयरिंग करके भाई गेम के अंदर क्या डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग हम लोग ऑप्शन ऑन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे जो बाइक है ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि बाइक आगे जा रहा है पीछे जा रहा है लेकिन इधर उधर हम लोग नहीं घुमा पा रहे। फाइनली जो जॉयस्टिक है ये भाई मोबाइल के अंदर हो सकता है लेकिन मेरे पास कंप्यूटर है, पीसी है, तो पीसी में मैं गेम प्ले कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है जॉयस्टिक में मेरा यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। आप लोगों का मोबाइल में क्या कोई भी जॉयस्टिक में कोई डिफरेंस आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई का ये जो मीथ है भाई कंफर्म है या फिर बास्ट है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताना भाई ये जो भाई का मीथ था ये कंफर्म है या बास्ट है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मीथ पे। तो गाइस इस भाई ने बताया है कि भाई कार के ग्लास के ऊपर RGB मारोगे तो उससे निकली हुई रॉकेट ग्लास के आर पार हो जाएगा। ओके भाई लोग आप लोगों को सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं इस भाई ने क्या बोला है। ये भाई बता रहा है कि आप कोई भी कार लेते हो और उस कार का विंडो में जो शीशा रहता है उस शीशा के ऊपर अगर आप रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हैं तो आपका जो कार है वो बास्ट नहीं होता है। तो चलिए गाइस इस भाई का मिथ को ट्राई करते हैं। ओके भाई लोग भाई का ये मिथ को ट्राई करने के लिए हमें एक कार चाहिए और कार के अंदर हम लोग ले लेते हैं लेजेंडर 1001 पे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कार आ चुका है, इस पे हम लोग RGB से फायर करते हैं शीशा के ऊपर, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे हम लोग शीशा के ऊपर फायर किया भाई ये रॉकेट लॉन्चर देख सकते हो भाई इस पार उस पार हो रहा है, मतलब ये जो भाई का मिथ है इस भाई का मिथ भी कंफर्म है। भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस अभी हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने बताया चीट कोड 0 टाइप करो फिर जल्दी से जाम करो, देखो आप आसमान में उड़ोगे। मतलब इस भाई ने बताया अगर आप चीट कोड 0 डायल करते हो उसके बाद आपके सामने जो भी आता है मतलब गैस टैंक आता है आई थिंक, और गैस टैंक के ऊपर अगर आप जाम करते हो तो आप सीधा आसमान में चले
चले जाओगे। तो चले गाइस इस भाई के मीट को भी हम लोग ट्राई करते। ओके गाइस फाइनली अभी यहाँ पे नाइट मोड है, तो हम लोग सबसे पहले डे मोड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। डे मोड करना बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग 9 पे कॉल करते तो यहाँ पे डे मोड में कन्वर्ट हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पे डे मोड कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 0 डायल करते और यहाँ पे गैस टैंक मंगाते और यहाँ पे सीधा जाम, और यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे थोड़ा सा तो जाम मिलता है यहाँ पे, सीधा ऊपर में आसमान में तो नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते, हो सकते ये वाला गलत हो गया हो, फिर से हम लोग 0 यहाँ पे मंगा लेते हैं ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम लोग इसके ऊपर चढ़ते, ओके भाई यहाँ पे भी मतलब उतना ऊपर नहीं जाता है भाई, जैसे चीट कोड में बताया आप सीधा आसमान में चले जाओगे ठीक है, उस तरह तो यहाँ पे मतलब हवा में उड़ने लगोगे इस तरह बताया। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते, ओके क्या हम लोग आसमान पे जा पाएंगे? नहीं भाई, यहाँ पे आसमान पे हम लोग नहीं जा पा रहे। तो भाई का अच्छा इस मीट को हम लोग ट्राई मतलब कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सुपर अल्ट्रा जाम को हमें एक्टिव करना है। यहाँ पे अल्ट्रा जाम हम लोग एक्टिव कर लिए और यहाँ पे 0 हम लोग जैसे ही डाल करते तो यहाँ पे देख सकते हो भाई हम लोग तो इस बार आसमान में, ओ भाई साहब देख सकते हो भाई फाइनली आसमान में जा चुके। तो भाई का ये जो मीट है, ये मीट भी हम लोग कन्फर्म कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग आसमान पे जा सकते ठीक है। तो भाई का ये मीट भी कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक बनता है। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मीट को ट्राई करने में। तो गाइस नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है आरपीजी से हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट नहीं कर सकते। फाइनली गाइस आप लोग समझ गए होंगे भाई ने कमेंट पे क्या बोला है। भाई ने बोला है आरपीजी से आप हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट नहीं कर सकते। तो चलिए भाई इस मीट को भी हम लोग ट्राई करते। तो गाइस इस मीट को ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले हेलीकॉप्टर लेके आना, और हेलीकॉप्टर का चीट कोड आई थिंक आप सभी को पता होगा, यही 3-4-0। तो यही 3-4-0 में हम लोग हेलीकॉप्टर लेके आ चुका है। यहाँ पे हम लोग आरपीजी यूज करते हैं, आरपीजी यहाँ पे हम लोग फायर करते हैं। जैसे ही हम लोग फायर करते हैं तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जो हेलीकॉप्टर है भाई यहाँ पे गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लास्ट होता ना तो उसका मलबा पड़ा रहता ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मलबा नहीं। चलिए सेकंड टाइम हम लोग ट्राई करते, तो यहाँ पे फिर से हम लोग हेलीकॉप्टर ले चुके और आरपीजी से फायर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा व्यू लाने के लिए हम लोग दूर पे जा रहे हैं, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन देख सकते हो भाई यहाँ पे कोई कहीं पे भी भाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोई अलग सा आइडिया लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में टैंक लगा हुआ है ना, टैंक के नीचे हम लोग हेलीकॉप्टर लेके आते हैं ठीक है। उसके बाद हम लोग फायर करेंगे, तो हेलीकॉप्टर अगर रहेगा भी तो भाई टैंक के वजह से दूर पे नहीं जा पाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेलीकॉप्टर मंगा लिए और अभी मामू जाएगा कहा, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर उड़ेगा भी तो भाई यहाँ पे टैंक पे लग जाएगा। तो हम लोग फायर कर दिए और यहाँ पे देख सकते हो जो हेलीकॉप्टर है भाई फाइनली ब्लास्ट नहीं होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर को आरजीबी से फायर करते हो तो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट नहीं होता, यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। तो भाई का ये जो मीट है, इस भाई का मीट भी कन्फर्म है, तो भाई के लिए भी एक लाइक बनता है। तो चले गाइस हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट मीट को। ओके फाइनली गाइस ये जो मीट है ये आखिरी मीट होने वाला है। तो इस भाई ने लिखा है फायर इंजिन को ट्रेन के सामने खड़ा करो और ट्रेन चलाओ, ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी। फाइनली ये वाला मीट में भाई ने बताया आप ट्रेन को ब्लास्ट कर सकते हो, और कैसे, आप अगर ट्रेन के सामने मतलब ट्रेन के सामने जो पटरी है उस पटरी पे अगर आप फायर इंजन रख देते हो तो आपका जो ट्रेन है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग ट्राई करते हैं, और हम लोग बहुत दिन से जानना चाहते हैं फाइनली इस गेम के अंदर क्या ट्रेन ब्लास्ट होता है या फिर नहीं। तो चलिए इस मीट को हम लोग अगर ट्राई करते तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम के अंदर ट्रेन जो है ये ब्लास्ट होता है या फिर नहीं। तो चलिए गाइस हम लोग ट्राई करते हैं इस भाई के मीट को। ओके फाइनली गाइस इस मीट को ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले तो स्टेशन जाना है, क्योंकि स्टेशन नहीं जाएंगे तो ट्रेन नहीं मिलने वाला है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट मोड भी है और हमारे पास अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ भाई रैंस रोवर, और देख सकते हो रैंस रोवर थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, लेकिन भाई आरजीबी कलर बहुत ही ओपी लग रहा है। भाई आपका रैंस रोवर कार कैसा लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे हम लोग भाई 2-3 बंदे को ठोक के यहाँ पे स्टेशन में पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग डे मोड कर लेते हैं। डे मोड करने के बाद ना यहाँ पे हम लोग मंगा लेते हैं भाई फायर इंजन पटरी के सामने, और यहाँ पे हम लोग जल्दी से भाई वीडियो को फास्ट करके यहाँ पे जल्द से जल्द 5-6 फायर टैंक लेके आ जाते ठीक है। तो यहाँ पे भाई फाइनली हम लोग 6 फायर टैंक ले चुके, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई, एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ट्रेन को ड्राइव करते हैं, मतलब ट्रेन चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई ट्रेन को अभी मोबाइल से कंट्रोल करके इसको चालू कर दिए, और भाई ट्रेन क्या ब्लास्ट होगा या फिर नहीं? अरे भाई ट्रेन कहाँ ब्लास्ट हो रहा है, ये तो भाई फायर इंजन को पटकते हुए लेके जा रहा है यार। अरे भाई भाई ये ट्रेन ब्लास्ट नहीं होता है, हम लोगों को पता होगा इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी गेम के अंदर ट्रेन ब्लास्ट करना असंभव है। तो भाई का ये जो मीट है ये मीट भी भाई ब्लास्ट है। तो भाई बहुत ही अच्छा कोशिश था भाई का, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो पे बस इतना ही, हम लोग मीट बस्टर को पिकअप कर पाए। बहुत सारा मीट बस्टर हमारे पास पड़ा हुआ है कॉमेंट, लेकिन हम लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं हो रहा है वीडियो एडिटिंग करने का, वॉइस रिकॉर्ड करने का, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ नेक्स्ट
वीडियो में इससे भी ज्यादा मीट बस्टर को हम लोग ट्राई करेंगे। इसलिए गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट मीट बस्टर वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो आप नेक्स्ट मीट बस्टर वीडियो को मिस कर दोगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर लेते इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर जो न्यू अपडेट है, और आप लोगों से बता किया था जो न्यू ऑप्शन आया उसमें से कुछ न्यू ऑप्शन में आप लोगों को गेम प्ले करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेगा रैम ऑप्शन, तो मेगा रैम ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग मेगा रैम पे शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो ये कार देख रहे हो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा कार आप स्पॉन भी कर सकते हो, और यहाँ से आप कार लेके स्टन कर सकते हो, मेगा रैम से नीचे जा सकते हो मैप के पास, फिर आप मेगा रैम पे आ सकते हो। तो इस तरह आप मेगा रैम को खेल सकते हो, यहाँ पे आप खेल के देख लेना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन गेम प्ले करते हैं। जैसे हम लोग फंटेक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग वो लेके आता है गेम के अंदर, और गेम के अंदर हम लोग को स्टेशन पे लेके आता है। और स्टेशन के सामने देख सकते हो बहुत सारा फ्यूल टैंक है, यहाँ पे जो ट्रेन है इस ट्रेन को आप चला के ये सब फ्यूल टैंक को ब्लास्ट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मजा आता है। आप लोग ये सब ट्राई करके देख लेना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेम खेल के दिखा देता हूँ। आप फोन से भी ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हो या फिर आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फोन से ट्रेन को कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल पे हम लोग ट्रेन को कंट्रोल करते हैं, तो देख सकते हो सेम इस तरह आप भी मोबाइल से ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर आप गेम प्ले करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जुरासिक पार्क। जैसे हम लोग जुरासिक पार्क पे क्लिक करते हैं तो हम लोग गेम के अंदर एक पार्क के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे जो पार्क है, पार्क के अंदर बहुत सारा पेड़ है और यहाँ पे घनी जंगल है, ऐसा लग रहा है भाई बहुत ही भयंकर जगह है यहाँ पे, देख सकते हो। और भाई यहाँ पे एक बात बता दूं, ये पार्क बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि इस पार्क के अंदर है भाई डायनासोर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप गेम प्ले करोगे, मतलब इधर उधर जाओगे, तो आपके पास आ जाएगा बड़ा सा डायनासोर। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास आ चुका है भाई डायनासोर, और यहाँ पे छोटा डायनासोर भी है, बड़ा डायनासोर भी है। और डायनासोर के हाथ पे मत आना भाई, क्योंकि डायनासोर के हाथ पे आए तो भाई खल्लास, ठीक है। तो इसलिए डायनासोर के हाथ पे मत आना, बस इस ऑप्शन को ट्राई करना, ये ऑप्शन खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं न्यू हाउस ऑप्शन मोड पे। तो जैसे ही गाइस हम लोग न्यू हाउस ऑप्शन मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एक न्यू हाउस के सामने, और यहाँ पे देख सकते हो क्या खतरनाक हाउस है, मतलब बहुत ही खूबसूरत हाउस है। तो गाइस इस तरह हाउस भी आपकी गेम पे ऐड होने वाला है बहुत ही जल्द। और यहाँ पे देख सकते हो इस घर के सामने जेसीबी भी देखने को मिल जाता है, और बड़ा सा ट्रक देखने को भी मिल जाता है, और एक बर्नर कार भी यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस आपकी गेम पे भी ये वाला न्यू हाउस ऐड होने वाला है बहुत जल्द। आपको ये न्यू हाउस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मोड ऑप्शन पे। तो गाइस नेक्स्ट मोड ऑप्शन है मल्टीप्लेयर। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लेयर पे क्लिक करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हो भाई बाइक के पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ है और मैं बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो मल्टीप्लेयर में। अब भी गाइस इस मल्टीप्लेयर मोड को इस तरह ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे मैं एटीवी भी ड्राइव करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, और निंजा H2R को भी ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। इस तरह आप भी मल्टीप्लेयर मोड को ऐड कर पाओगे गेम के अंदर। लेकिन भाई ये सब गेम पे ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि रोहित गेमर सर ये सब न्यू ऑप्शन अभी तक गेम के अंदर अपडेट नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में ये सब ऑप्शन आपकी गेम पे ऐड होने वाला है। अभी फिलहाल रोहित गेमर सर हम लोगों के पास ये सब वीडियो क्लिप भेजा था और बोला था ये सब ऑडियंस को देखा, ऑडियंस को क्या ये सब पसंद आता है या फिर नहीं। अगर ऑडियंस को ये सब पसंद आता है तो नेक्स्ट अपडेट में ये सब ऑप्शन हम लोग गेम पे ऐड करने वाला है। अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आता है तो ये सब ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट अपडेट में ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट में ये सब न्यू ऑप्शन मोड ऐड हो जाए इस गेम के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि रोहित गेमर सर तक ये वीडियो पहुंचे और रोहित गेमर सर जान पाए इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट में ये सब न्यू ऑप्शन ऑडियंस मांग रहा है। बस आप लोग कमेंट कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर कर देना, ताकि रोहित गेमर सर समझ पाए हाँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऑडियंस को नेक्स्ट अपडेट में ये सब चीज चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली गाइस आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो दोस्तों इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर मीट बस्टर और इस तरह इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन का वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरा चैनल आजकल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। भाई लोग बस आप लोग ही मेरा चैनल ग्रो करवा सकते हो, इसलिए आप लोगों से भाई बिग रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह और एक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।